Hello students, welcome study skill, better understanding. Last हमने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी के बारे में बात की थी और इनके बारे में बात की थी, इनकी लाइफ और करियर के बारे में बात की थी. और आज हम इनके एक लेटर के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. और ये लेटर जो था, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है. और ये लेटर जो दिया गया है वो लॉर्ड चेस्टरफील्ड को इन्होंने भेजा था. लॉर्ड चेस्टरफील्ड कौन है? एक्चुअली लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो एक चेस्टरफील्ड एक जगह है, वहाँ के लॉर्ड थे, उनको ये लेटर भेजा था इन्होंने. और कब भेजा था ये? 7 फरवरी 1755 को ये लेटर इन्होंने भेजा था उन्हें. ये लेटर किस रिगार्डिंग था, ये लेटर क्यों भेजा गया था, इसका क्या कारण था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली जैसा मैंने बताया था कि ये लेक्सिकोग्राफर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, यानी कि डिक्शनरी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. वो जो डिक्शनरी थी बहुत ही फेमस डिक्शनरी हुई. और इसके अलावा जब इन्होंने ये डिक्शनरी 1755 में तैयार हो गई थी, पब्लिश हो गई थी, उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये डिक्शनरी जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया डिक्शनरी लिखने की शुरुआत की, तो बहुत सारे पब्लिशर्स ने, यानी लगभग 1755 से कई साल पहले की बात है, तो जब इन्होंने शुरुआत की तो उस टाइम जो है कई पब्लिशर्स ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उस डिक्शनरी की डील में. और वो लगभग $1575 में उसकी डील कंप्लीट हुई. तो उसमें जो है इन्होंने शुरुआत की. और उस टाइम इनको पैसों की और ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या किया, जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो थे वहाँ के, उनके पास हेल्प के लिए गए. हेल्प के लिए उनके पास गए, लेकिन उन्होंने उस टाइम कोई बड़ी हेल्प नहीं की. और उस टाइम हेल्प नहीं की, उस टाइम कुछ नहीं कहा. इसके बाद क्या हुआ, लगभग 7-8 साल इन्होंने मेहनत की और एनी हाउ इन्होंने वो डिक्शनरी पब्लिश कराई. और जब डिक्शनरी पब्लिश हो गई, उसके बाद इन्होंने द वर्ल्ड, यानी कि जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड थे, उन्होंने द वर्ल्ड एक मैगज़ीन थी उस टाइम की, उसमें एक लेख पब्लिश किया. और उसमें इन्होंने ये कहा, यानी कि सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी थी उसको इन्होंने रिकमेंड किया पब्लिक को. तब जब इन्होंने रिकमेंड किया और जब इन्होंने सुना सैमुअल जॉनसन ने, तो इन्होंने वो कहा कि मैं कैसे इसको, इस ऑनर को रिसीव करूं, ये मेरे समझ नहीं आता. और उस सुनने के बाद इन्होंने ये लेटर लिखा. देखो ये लेटर क्या है, हम पढ़ते हैं. टू द राइट ऑनरेबल द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड, माई लॉर्ड, I have been lately informed by the proprietor of the world. मैंने बताया ना, the world. The world जो है वो एक पत्रिका थी. तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है अभी पता हुआ, मुझे अभी इन्फॉर्म किया गया प्रोपराइटर के द्वारा the world के, that two papers in which my dictionary is recommended to the public. कि आपने दो papers में मेरी dictionary को public को recommend किया है. वर रिटन बाई योर लॉर्डशिप, टू बी शो डिस्टिंग्विश्ड इज एन ऑनर विच बींग वेरी लिटिल अकस्टम टू फेवर फ्रॉम द ग्रेट, आई नो नॉट वेल हाउ टू रिसीव और इन वाट टर्म टू अक्नॉलेज. और ये इनसे कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से इस सम्मान को आपके लूँ, ये मेरे समझ से बाहर की बात है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इस सम्मान को आपसे कैसे लूँ, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा है. इसके बाद ये इनसे आगे क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं ये. आगे ये कहते हैं कि when upon some स्लाइट एनकरेजमेंट आई फर्स्ट विजिटेड योर लॉर्डशिप, यानी कि जब कुछ एनकरेजमेंट के लिए मैंने आपको विजिट किया था, आपके यहाँ गया था, आई वॉज ओवर पावर्ड लाइक द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड.
मैं उसी तरह से ओवर पावर्ड था जैसे और लोग थे। ओवर पावर्ड मतलब बड़ा खुश था कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं और मेरी ही हेल्प करेंगे। एंड आई वॉज लाइक द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड बाय द इंचैंटमेंट ऑफ योर एड्रेस एंड कुड नॉट फॉरबियर टू विश दैट आई माइट बोस्ट माई सेल्फ ली वैनक्वेर जू वैनक्वेर डेला ट्वेरी that I might obtain that regard for which I saw the world contending. लेकिन जब मैंने द वर्ल्ड में मैंने लेख देखा तो मेरे समझ नहीं आया कि एक्चुअली ये था क्या। 7 years my lord have now passed since I waited in your outward room or was repulsed from your door during which time I have been pushing on my work through difficulties। कहते हैं कि देखो 7 साल लगभग हो गए जब मैं बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा था अपने वर्क में और मैं आपके घर गया था। ऑफ विच इट इज़ यूजलेस टू कंप्लेन, उन बातों को कंप्लेन करना अब यूजलेस है। एंड हैव ब्रॉट इट एट लास्ट टू द वर्ज ऑफ पब्लिकेशन, और मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली ये जो है पब्लिश हुई। विदाउट वन एक्ट ऑफ असिस्टेंट, यानी कि बिना किसी के मेहनत के, वन वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, बिना किसी के एनकरेजमेंट के, और ऑन स्माइल ऑफ फेवर, और ना किसी की फेवर और स्माइल हमें मिली। सच ट्रीटमेंट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फॉर आई नेवर हैड अ पैट्रॉन बिफोर। और वो कहते हैं सच ट्रीटमेंट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, यानी कि इस तरह का ट्रीटमेंट जैसा मेरे साथ हुआ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फॉर आई नेवर हैड अ पैट्रॉन बिफोर, और मेरा कोई भी पैट्रॉन नहीं रहा इस वर्क में। द शेफर्ड इन वर्जिल ग्रू एट लास्ट एक्वेंटेड विद लव एंड फाउंड हिम नेटिव ऑफ द रॉक्स। और वो एक एग्जाम्पल देते हैं जो वर्जिल है, वर्जिल की एक बुक है जिसमें शेफर्ड की बात करते हैं कि उसमें किस तरह से एक जो है जो शेफर्ड था वो बहुत ही एक्वेंटेड हो गया और लास्ट में जो है उसको कुछ उससे बेनिफिट नहीं हुआ। कहता इजेंट पैट्रॉन माय लॉर्ड, क्या ये पैट्रॉन्स नहीं थे मेरे लॉर्ड। वन हु लुक्स विद अनकंसर्न ऑन मैन स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ इन वाटर एंड व्हेन ही हैज रीच ग्राउंड एनकंबर्स हिम विद अ हेल्प The notice which you have been pleased to take of my labors, had it been early, had been kind, but it has been delayed till I am indifferent and cannot enjoy it, till I am solitary and cannot impart it, till I am known and do not want it. ये इसमें बताते हैं, कहते हैं कि देखो एक example देते होते हैं, उनको समझाते हैं इस लेटर में। और वो कहते हैं देखो अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, डूबते समय जब वो आपसे हेल्प मांगे तो आप उसको मना कर दो या आप हेल्प ना करो, और जब वो किनारे पे आ जाए किसी तरह से हेल्प, कहीं से भी किसी तरह से हाथ पांव मार के जब वो किनारे पे आ जाए उस टाइम आप कहो भाई आ जाओ ऊपर। तो ये उसी तरह से है। तो वो कहते हैं कि अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपकी इस हेल्प को कैसे रिसीव करूं, मैं कैसे समझूं। और वो कहते हैं आई हैव इट इज़ नो वेरी सिनिकल एस्पायरिटी नॉट टू कन्फेस ऑब्लिगेशंस वेयर नो बेनिफिट हैज़ बीन रिसीव्ड और टू बी अनविलिंग दैट द पब्लिक शुड कंसीडर मी एज ऑइंग दैट टू अ पैट्रॉन व्हिच प्रोविडेंस हैज़ इनेबल्ड मी टू डू फॉर माई सेल्फ। और वो कहते हैं कि मुझे कोई बेनिफिट आपसे नहीं हुआ, आप यानी कि जब आपने ऐसा बोला तो लोग समझ रहे हैं कि आप मेरे पैट्रॉन हैं, आप मेरे मालिक हैं, आपने मेरी हेल्प की है इस डिक्शनरी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसे कैसे रिसीव करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर लास्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, कहते हैं हैविंग कैरीड ऑन माई वर्क Thus far with so little obligation to any favorer of learning, I shall not be disappointed, though I should conclude it
if less be possible with less, for I have been long weakened from the dream of hope, in which I once boasted myself with so much exultation. और वो फाइनली ये कहते हैं कि देखो, मैं जो भी चीज़ें हैं मैं बोस्टिंग नहीं करना चाहता, मुझे एक बात समझ में आती है कि अभी तक जो भी था जैसे भी था अब पब्लिश हो गई, और अब फाइनली हम ये मानते हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। फिलहाल कहानी ये है कि हमारी जब हेल्प की ज़रूरत थी, एक तरह का देखो स्टूडेंट्स, एक तरह का ये बैंग है ना, एक तरह की ये बैंग है जो इन्होंने लेटर लिखा था, और इसमें उनके ऊपर कटाक्ष किया है, जो उन्होंने ऐसा किया था तो उनके ऊपर कटाक्ष किया है। और फाइनली कहते हैं, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप मोस्ट हम्बल मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सैम जॉनसन। अब आप एक चीज़ देखो, मोस्ट हम्बल मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, यानी कि ये लेटर कितना आयरोनिकल है, आप समझ सकते हैं क्या ये कहना चाह रहे हैं और क्या शब्दों में बयां कर रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है। तो यही एक लेटर जो है ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसमें कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है इस, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है, आगे से मैं ये कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू से देखते रहें, आगे मैं और वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी अब अपलोड करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे एग्ज़ाम्स में। दूसरा देखो, ये जो लेटर मैंने लिया है ये एक साइट से लिया है, वो मैंने ऊपर देखो ये मेंशन हो रही है साइट, इससे लिया है, तो इसमें कहीं से कहीं तक मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। फ़िलहाल ये लेटर जो है ये इसी कॉपीराइटेड मटेरियल से लिया गया है या कॉपीराइटेड फॉर्म से लिया गया है, और चूँकि मुझे आपको डिस्क्राइब करना था, बताना था, तो मैंने यहाँ से लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।